जालौन के कोंच में मोहल्ला भगत सिंह नगर निवासियों के द्वारा कोंच के उप जिला अधिकारी मोइनुल इस्लाम को राशन कार्ड की समस्या को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें महिलाएं भारी तादाद में रही। महिलाओं ने मीडिया को बताया कि वह लोग गरीबी रेखा से नीचे है, जीवन व्यापन करने के लिए मजबूर है, जबकि शासन के द्वारा पात्र गृहस्थी योजना चलाई गई है। इसमें लोगों के नाम ना जोड़कर अपात्र लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं, जिससे जीवन निर्वाह करने में कठिनाइयां आ रही है। क्योंकि यह योजना गरीबों के लिए लागू है, फिर कुछ अपात्र लोगों ने सेटिंग करके उनका हक उनसे छीन लिया है। और उन्होंने कहा, इस संबंध में उप जिला अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा इसकी जांच की जाएंगी। इमारत और मेहमानत कारी के पैसे लेके राशन कार्ड फर्जी बनाते हैं, उनको बंद करो, मेहमानों को कार्रवाई करो। इस संबंध में दिया है कि ये सारी महिला लोग आई हैंगी, 6 महीने से बिल्कुल परेशान हैंगी। इनके घर कोई ना राशन कार्ड हैगा, पहले जो राशन कार्ड था मेंबरों ने बंद हो गया हैगा, और जो नए राशन कार्ड बनने थे फार्म भरे मेंबरों ने फाड़ दिए हैंगे, दूसरे फार्म भरे तहसील दिवस में, नगर पालिका में, एडीएम के साथ को, कम से कम एक एक महिला 10-10 राशन कार्ड के फार्म भर चुके हैं। इनको अभी छः महीने से अभी ना कोई तेल का तेल मिल रहा है, ना राशन कार्ड में कोई गल्ला मिल रहा है, ना चावल मिल रहा है। हम लोगों ने इस संबंध में दिया है कि इसमें जो फर्जी बनवाए हैं मेंबरों ने, उस पर जाँच हो, और जो नए बनने चाहिए सही उनको बनवाया जाए। अगर 8 दिन के अंदर ये नहीं होता है तो हम लोग मैं बच्चों के सभी लोग आगे हैंगे धंधाएंगे। अगर इसमें कोई कार्रवाई अगर नहीं करते, इसमें जांच नहीं बिठाते मेंबरों के खिलाफ, तो एडीएम साहब से समझ लें कि 8 दिन के अंदर यहाँ पे सारे जो लेडीज से आई हैंगी और इससे ज़्यादा लेडीज आएंगी और बच्चे आएंगे, इसके खुद जिम्मेदार है एडीएम साहब हों या खुद मेंबर हो, जिनका जांच नहीं बिठाते हैं एडीएम साहब, तो कुछ बात कार्रवाई हुआ। अगर यहाँ नहीं होती है तो हम आगे तक भी जाएंगे। कितने लोग अपात्र लोग हैं आपके मोहल्ले? अभी हमारे तरफ में तो अभी तो 15-20 लोग करीब आए हैं। अभी तो कम से कम 60-70 ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर में राशन कार्ड ही नहीं बना है, कुछ लोग आ नहीं पाएंगे, और जो कुछ लोग हर तबके बैठ गए कि अभी राशन कार्ड बने या ना बने, मगर उनकी भी समस्या है कि बच्चों को एडुकेशन कराने पड़ता है, खाते खुलवाने पड़ते हैं बच्चों के, मगर राशन कार्ड में उनके राशन कार्ड ही नहीं बना तो नाम कहाँ से होगा, कहाँ से खाते खुलेंगे। आश्वासन अभी वहाँ से एजेंट साहब ने कहा है कि बुलाएगा, उन्हें जांच करने के रहेंगे। अभी जांच होती है या नहीं होती है ये तो एजेंट साहब जाने, और कोंच की राजनीति बहुत अच्छी है, हमें इतना विश्वास है कोंच की राजनीति पे कि अधिकारी जो एजेंट साहब आए उन पर विश्वास है, बकाए कोंच के जो नेता आएंगे वो दलाल हैं, और जो नेता हैं बिल्कुल हकीकत में दलाल हैंगे, और जो तहसील में बैठते हैं सिर्फ 100-200 रुपए की कमाई पे बैठते हैं, जिनके 100-200 मिलते हैं उनके राशन कार्ड बन जाते हैं, जिनके नहीं मिलते हैं उनके राशन कार्ड नहीं बनते हैं। हमने जो है राशन कार्ड की वजह से दिया है, और राशन कार्ड जो है हमको साल भर से बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और आप जो है एडीएम साहब से हमने बात करी है, वो अब देखो मंजूर होती है कि नहीं होती है, क्योंकि गरीब आदमी है मेरा आदमी, कुछ कर नहीं पाता है, और बुढ़ापे का आलम है, मैं क्या करूं, मैं बच्चों की जो है 2 पैसे का धंधा करती हूं, 2-2 पैसे की चीज बेचती हूं, तो मैं अपने आदमी का और अपना पेट पाल रही हूं, कि जरा जरा से ये नाती पोते आएंगे उनका भी राशन कार्ड नहीं बना है, और न बनाने की कोई सूचना मिल रही है। अच्छा, इसकी पहले भी आपने किसी शिकायत की है? हमने जो है नगर पालिका में की है, नगर पालिका से जो है हमने तहसील में की है, तहसील में हमने जो है कम से कम 6 दफे हमने फार्म जमा कर गए, और मेंबरों से जो है 50 दफे गए, मेंबर के घर पे गए, मेंबर कहने लगे कि मैं कल चलूंगा, कल जो है आप चलना मेरे साथ, कोई सुनाई नहीं है मेरे पास में, अगर नहीं सुनाई होती है तो फिर हम लोग मैं जन बच्चे से यहाँ पे जो है यही वो करेंगे। भगत सिंह नगर की कुछ महिलाओं द्वारा इस आशय का ज्ञापन दिया गया है कि उनको पात्र गृहस्थी की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके संबंध में पूर्व में भी एआरएफ को निर्देशित किया गया था, और एआरएफ के द्वारा यह बताया गया है कि वर्तमान में राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है, और नया लक्ष्य अभी तक शासन से प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण नए राशन कार्ड बनाया जाना संभव नहीं है। इसलिए एआरएफ को निर्देशित कर दिया गया है कि पात्रता सूची का गहन सत्यापन करा लें, जो अपात्र लोग हैं उनको पात्रता सूची से बाहर निकालें और उनकी जगह पर पात्र व्यक्तियों को सम्मिलित करें। इसके अलावा एक मांग उनकी हैंडपंपों को ठीक कराने की है, तो उसके लिए जल संस्थान को कहा जा रहा है और तत्काल इन हैंडपंप को चालू कराएंगे।